फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम शंकरपाड़ी रेसिपी देखने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीकस रेसिपी है, तो चलो हम उसकी विधि जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, सूजी लिया है, घी लिया है और शक्कर ली है, और तलने के लिए मैंने यहाँ पे डालडा घी लिया है। आप देख सकते हो मिल्क भी लिया है। अब मैं एक बाउल में मिल्क डालूँगी जो हमें गर्म करना है, इस तरह। बाद में हम उसमें प्योर घी डालेंगे, आप डालडा घी भी डाल सकते हो। अच्छे से पिघल गया कि हम उसमें शक्कर डालनी है जो हमने पीस ली है। आप शक्कर एक बाउल भी ले सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे आपको मीठा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ये अच्छे से मैंने गैस बंद कर दिया है, मैंने थोड़ा ही खाली दूध गर्म करने के लिए गैस स्टार्ट किया था। अब हम एक बाउल में मैदा लेंगे, अब हम उसमें रवा डालेंगे। रवा डालने के बाद जो हमने गर्म कर लिया है मिल्क और दूध का जो हमने पेस्ट बना लिया है, हम उसमें वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना हमें ज़रूरत है, एकदम से पूरा नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा डालना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमें। ये आटा बहुत ही टाइट गूंदना है, सेल नहीं रहना चाहिए, सेल हमें आटा गूंदना नहीं है, बहुत टाइट गूंदना है। आप देख सकते हो इस तरह हमें गूंद लेना है। थोड़ा हमें पेस्ट की ज़रूरत है, जो हमने घी और शक्कर का जो मिल्क डाल के जो पेस्ट बनाया है वो। आप दूध की जगह पानी भी ले सकते हो। अच्छे से हमें मिक्स करना है इस तरह। अब हम गूंदे हुए आटे को अच्छी तरह कॉटन के कपड़े से ढक देंगे और एक घंटे के लिए रख देंगे। हमारा एक घंटा हो चुका है। अब मैंने वो कॉटन का कपड़ा उठा के अच्छे से आटे को प्रेस कर लिया है, आप इस तरह। अब हम उसके शंकरपाड़ी बना लेंगे। बहुत ही पतला हमें बेलना नहीं है, थोड़ा हमें जाड़ा रखना है जो शंकरपाड़ी क्रिस्पी बने। आप देख सकते हो मैंने रिंग के शंकरपाड़ी के शेप दे रही हूँ इस तरह। वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप सूरी से भी कर सकते हो, सूरी से भी मज़ेदार बनता है। अब हम सब शंकरपाड़ी जो बनाई है वो निकाल लेंगे, और जो दूसरा बचा हुआ आटा है उसको भी हम उसके भी शंकरपाड़ी बना लेंगे। अब मैंने सूरी का इस्तेमाल किया है, उससे थोड़ा भी टेढ़ा नहीं हुआ है, अच्छा शेप आया है, इस तरह करना है। एक पैन में हमें तेल लेना है, तेल लो या घी लो, मैंने घी लिया है यहाँ पे। आप तेल भी ले सकते हो जो आपको चाहिए हो। मैंने एक बाउल घी लिया है शंकरपाड़ी फ्राई करने के लिए, हमें डीप फ्राई करना है। आप देख सकते हो इस तरह हमें सब शंकरपाड़ी डाल देना है। हमें धीमी आंच पर पकाना है, भूनना है धीमी आंच पर, क्योंकि जब आप फास्ट गैस कर दोगे तो अंदर से पकेगा नहीं, खाली ब्राउन कलर हो जाएगा।
कभी भी कोई भी चीज़ हमें फ्राई करना हो तो स्टार्टिंग में धीमी आंच में ही पकाना चाहिए, क्योंकि जब हम फास्ट गैस कर देते हैं तो वो बाहर से ब्राउन कलर का हो जाता है लेकिन अंदर से पकता नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग में ही धीमी आंच में अच्छे से पकाना चाहिए कोई भी चीज़, और बाद में उसको हम फुल गैस कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरह कितना ब्राउन हो गया है वो। अच्छे से हमारा शंकरपारी रेडी है। जो हमारा बाकी का शंकरपारी है वो भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा देर लगेगा लेकिन अच्छे से धीमी आंच में पकाना है। आप देख सकते हो कलर भी कितना अच्छा आया है। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बचे हुए शंकरपारी भी उसमें फ्राई कर लेंगे। कभी भी शंकरपारी बनाते वक्त थोड़ा सा उसमें खाने का सोडा डालना चाहिए। बहुत लोग नहीं डालते हैं लेकिन उसमें डालना चाहिए ताकि वो क्रंची और क्रिस्पी बनता है। और घी भी डालना चाहिए, जब हम थोड़ा नमक भी डालना चाहिए। शंकरपारी के हम शेप अलग अलग भी दे सकते हो। आपको ऐसा स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में दे सकते हो, राउंड में चाहिए तो राउंड में भी दे सकते हो। हाँ, इस तरह हमारा शंकरपारी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा और कलर भी अच्छा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।